नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेक सिटी में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर। आज कांग्रेस के दिग्गज कर रहे ग्रुप डिस्कशन। संगठनात्मक बदलाव, किसान, खेत, मजदूर, युवा, महिलाएं और अर्थव्यवस्था पर मंथन। ज्ञानवापी मस्जिद में आज का सर्वे पूरा। मस्जिद के तहखाने से मिले 5 कमरे। तहखाने की हुई वीडियोग्राफी। 17 मई को अदालत में पेश की जाएगी सर्वे रिपोर्ट। स्टैंप विक्रेता से 4.5 लाख की लूट का मामला। रौनाही थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियारों के साथ लूट की रकम भी जब्त। यूपी की पीलीभीत जेल एक बार फिर चर्चाओं में। डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत। सरकारी आवास परिसर में हुई मौत। पहले भी हो चुकी है 2 डिप्टी जेलर की मौत। यूपी में तपिश से बेहाल हुए लोग। कई जगहों पर पारा 47 डिग्री के पार। कूलर और एसी ने भी दिया जवाब। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार के बाद दोबारा सर्वेक्षण टीम पहुंची और सर्वेक्षण का कार्य पूरा कराया गया। एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने पहले दिन रेड लाइन को क्रॉस करते हुए तहखानों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कराया। इस दौरान पश्चिमी दीवार का भी सर्वेक्षण किया गया। आपको बता दें, मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पहले वकीलों की टीम को भीतर घुसने से रोका गया था। हालांकि कोर्ट के सख्त रुख के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में सहयोग किया गया। टीम ने तहखाने के चारों कमरों और पश्चिमी दीवार का सर्वे किया। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि सभी सबूत हमारे हाथ हैं। सर्वे के बाद सर्वेक्षण किए गए स्थानों को फिर से सील कर दिया गया है। सर्वे में शामिल टीम के कई सदस्यों का दावा है कि कल्पना से अधिक साक्ष्य मिले हैं। सर्वे सही दिशा में जा रहा है। सर, आज कोई व्यवधान तो नहीं हुआ? सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है? जी 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 सर, सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश की तामिला कराना हमारे लिए हमारा दायित्व भी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक की कार्रवाई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। इधर यूपी में पीलीभीत जेल कारगार एक बार फिर चर्चाओं में है। आपको बता दें, कारण है जेल आवास परिसर में हुई डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत का। पहले भी 2 डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद अब एक बार फिर डिप्टी जेलर का शव उनके ही सरकारी आवास में मिला। जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे जब उनके सरकारी आवास के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर देखा गया तो अंदर डिप्टी जेलर जौनपुर निवासी 51 वर्षीय उदयराज पटेल का शव फर्श पर पड़ा था। घटना के बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें चलते हैं कि जेल परिसर में पहले भी 2 डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। उदय प्रताप सिंह जी हमारे उप कार्यपाल के पद थे, सन 19 से यहाँ पे थे और कल से पहले तक तो इनकी अच्छे थे, स्वस्थ थे। करीब 1:30 बजे हमारे गेट से ही निकले हुए, जेल से निकले हुए। उसके बाद ये अंदर घर पे आए अपना, और सब शाम को 5 बजे जब इनको जगाया जाने लगा तो उठे नहीं। तो फिर हम लोग काफ़ी देर ट्राई करने के बाद फिर पीछे से उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर पीछे से घुसे तो देखा इनकी बॉडी, मतलब ये जमीन पर गिरे हुए थे।
सीएम योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें जहां कल महंत दिग्विजय पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 144 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 68 करोड़ की सड़क, पुलिस एवं पुलिया एवं जल निकासी संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण और भीटी रावत में सब सेंटर सहित 75 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर पत्नी के साथ अयोध्या दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले रामलला व हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान भगवान राम की आरती उतारने के बाद मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को भी समझा। उन्होंने कहा कि जैसे रामलला का मसला सुलझ गया है, वैसे ही आने वाले समय में काशी और मथुरा का भी मसला सुलझ जाएगा। रामलला के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास ने राज्यपाल को रामनवमी उड़ाई, इसके बाद उनसे रामलला की पूजा भी करवाई। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे राजेंद्र विश्वनाथ ने परिक्रमा भी की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा कि रामलला का दर्शन करके आया हूं, इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बहुत दिनों से इच्छा थी कि रामलला और हनुमानगढ़ी पर आकर दर्शन करूं, ये इच्छा अब फलित हो गई है। हनुमानगढ़ी पर दर्शन करने आए हनुमान जी का, और उसके पहले रामलला का दर्शन करके आए हैं और यहाँ अभी आए हैं। इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में। बहुत वर्षों से इच्छा थी कि रामलला के और हनुमानगढ़ी पर आकर हनुमान जी के दर्शन करूँ, आज वो फलत रूप हो गई है। पूरे देश भर में अपने इस पर आस्था रखने वाले और पूरे विश्व भर में श्री रामलला के अनुयायी जो है, सबको लगता है कि जीवन में एक बार यहाँ आकर उनके दर्शन करें। मेरे सौभाग्य ऐसा रहे कि मैं सपत्नी यहाँ आकर दर्शन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि इस परिसर का बहुत ठीक ढंग से जिस दिशा में होना चाहिए वैसा निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। रामलला और हनुमान जी हमारे देश के संस्कृति के सनातन धर्म के प्रतीक हैं। पूरे विश्व भर में इनकी आस्था जो है, इनका विश्वास जो है, वो पूरे विश्व भर में है। मुझे लगता है कि इस दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं और खास करके हनुमान और अयोध्या के जो अपने यहाँ के निवासी हैं, उनका इसमें जो सहयोग रहा है वो अतुलनीय है। ऐसा ही वो सहयोग बने रहें और हम सब पर रामलला की और हनुमान जी की कृपा सदैव रहे, यही मेरी मनोकामना है। सर, अयोध्या का मसला अच्छे से हल हो गया है, अब मथुरा काशी का भी चल रहा है, क्या कहेंगे सर? जैसे भगवान की इच्छा है वैसे ही होता रहेगा। जैसे भगवान की इच्छा है वैसे ही रामलला का ये मसला जो है वो यहाँ से सुलझ सका है। मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसे कुछ अगर विषय है वो भी इसी ढंग से सुलझ जाएंगे। बस्ती जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्रों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। पहले चरण में जिला प्रशासन ने अपात्र लोगों से खुद ही राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि अब तक 200 लोगों ने अपने कार्ड सरेंडर किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो सभी आयकर दाता, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित 5 KVA का जनरेटर या 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी हो, तो अपने राशन कार्ड को अपने नजदीकी केंद्र पर समर्पित करें। यदि सत्यापन में राशन कार्ड धारक दोषी पाया जाता है तो उसे आवश्यक वस्तुओं खाद्यान्न की रिकवरी कराते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक टारगेटेड योजना है, इसमें इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 79.659% लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार समाविष्ट किया जा सकता है। वो हमारा टारगेट पूर्ण हो गया था, इसलिए यदि कोई पात्र छूटा हुआ या वंचित आ जाता है तो उसका राशन कार्ड हम ठीक नहीं कर पाते थे। इसके दृष्टिगत हमने लोगों से अपील की थी कि जो अपात्र हैं या अपात्र हो गए हैं, पहले पात्र थे, जिनके पास 25 बीघा सिंचित भूमि से ज़्यादा है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जिनकी आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा है, या अन्य सुविधाएँ हैं, या सरकारी व्यक्ति हैं, या ज़्यादा पेंशन मिलती है,
वह लोग अपने राशन कार्डों को समर्पित करें, स्वेच्छा से समर्पित करें। तो इसके लिए हमने प्रेस विज्ञप्ति दी थी और डीएम मैम के माध्यम से भी हमने उन्हें अनुरोध किया है और प्रेस विज्ञप्ति दी है और ये भी सचेत भी किया है कि बाद में इसका सत्यापन कराया जाएगा और सत्यापन में यदि वह अपात्र पाए जाएंगे तो उसके अंतर्गत उनसे वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है। खबर अयोध्या से है, जहां बीकापुर तहसील के किसान अपनी समस्या को लेकर पिछले कई दिनों से तिकोनिया पार्क पर धरना दे रहे हैं, जिनमें एक बुजुर्ग किसान मांग पूरी नहीं होने के कारण अचानक मोबाइल के टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश करने में लगा, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने समझा बुझाकर बुजुर्ग को टावर से नीचे उतारा। दरअसल बुजुर्ग किसान कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर तहसील सदर के बाहर धरने पर बैठा था। अपनी मांग न पूरी होते देख तहसील सदर के अंदर स्थित मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। मेरा नाम गया प्रसाद सिंह सनाब भगवती सिंह ग्राम राघोपुर विकासखंड तारुण का मूल निवासी है। थाना हैदरगंज क्षेत्र की मामला यह है, 1992 में राज्यपाल के आदेशानुसार क्षेत्र सूखा घोषित था, उसमें उसके साथ में 2 महीने तक आंदोलन चला है। मुझे थाना हैदरगंज वाले धोखाधड़ी से जमानत करवा दिया, राज्यपाल के आदेश से छूटे थे, जिसमें गया प्रसाद के स्थान पर गया प्रसाद सिंह हो गया है। मुझे शासन प्रशासन जो है दबिश मारता रहा, जो राज्यपाल के आदेश को नहीं मानते हैं। दूसरी समस्या यह है, गांव को राघोपुर के कहां के रहने वाले हैं केतकी सिंह, थाना हैदरगंज का मामला है, जो रिपोर्ट लगी है मीरलांचल लगा है अनुपम मिश्रा द्वारा लगाई गई रिपोर्ट को केतकी सिंह अगर नहीं उपस्थित होते हैं, जिंदा या मुर्दा उनके माता पिता का नाम नहीं उठा, मैं अटक करूंगा। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर मीडिया सेंटर